राजधानी जयपुर में 15वीं राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र 23 जनवरी से शुरू हुआ, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण की शुरुआत के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा होने लगा। सदन के शुरुआत से ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार वीक है और हर पेपर लीक है के नारे लगाए। राजस्थान में गहलोत सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की रणनीति बनाने की दिशा में बीजेपी जुट गई। बता दें कि 23 जनवरी को राजधानी जयपुर में बीजेपी की कार्य समिति बैठक के समापन सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान जहां पार्टी अध्यक्ष ने बूथ स्तर को मजबूत करने पर मंथन किया, वहीं पार्टी में गुटबाजी खत्म करने का भी मंत्र दिया। इसके अलावा नड्डा ने पीएम मोदी की 28 जनवरी को प्रस्तावित सभा की तैयारियों पर भी चर्चा की। राजधानी जयपुर में 23 जनवरी को महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ा बवाल हो गया। बता दें कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही छात्र नेताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को महासचिव अरविंद जाजड़ा ने चाटा मार दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल भी हुआ है, जहां निर्मल चौधरी के मंच पर आते ही पीछे से जाजड़ा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। वहीं इस पूरी घटना के बाद कैंपस में भगदड़ मच गया, जिसे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात को शांत किया। राजस्थान में आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जहां बीजेपी और युवा वर्ग गहलोत सरकार पर पहले से ही हमलावर थे, वहीं अब बुजुर्गों में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा है। खबरों के मुताबिक श्री गंगानगर जिले के डाबला गांव में 21 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पेपर लीक के मामले में एक महिला की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बता दें कि महिला ने सीएम को खूब खरी खरी सुनाई, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। खबरों के मुताबिक हादसा नेशनल हाईवे 58 पर देर रात हुआ, जहां ट्रक और एक स्विफ्ट कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटना के बाद 5 शव को फतेहपुर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। राजधानी जयपुर में नकली शराब की बिक्री का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक जयपुर पुलिस ने शिवदासपुरा और सांगानेर इलाके में 4 अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी, जहां भारी मात्रा में नकली शराब बनने और बिकने का धंधा चल रहा था। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों फैक्ट्रियों को सीज कर दिया है और इस दौरान 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भरतपुर में देर रात कुछ बदमाशों ने रुदावल थाना इलाके के ब्रह्मवाड टोल पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग करते हुए टोल कर्मियों से जमकर मारपीट की। वहीं खबरों के मुताबिक करीब 20 बदमाश हथियारों के साथ टोल पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए टोल कर्मियों को बेरहमी से पीटा। टोल पर हुई यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में पुलिस का मानवता को शर्मसार कर देने वाला चेहरा सामने आया है। बता दें कि कड़ाके की ठंड की वजह से महिला चिकित्सालय के पास एक युवक की मौत हो गई। लावारिस लाश की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने ई रिक्शा की मदद से लाश को मर्चरी तक पहुंचाया। लाश को ले जाने के दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजधानी जयपुर में कस्टम विभाग के अफसरों की ओर से लगातार किए जा रहे एक्शन के बावजूद सोने की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहे। दुबई और शारजाह के रास्ते से सोने की तस्करी के आए दिन हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ताजा मामला सामने आया है, जहां कस्टम विभाग की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 यात्रियों से भारी मात्रा में सोना जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कस्टम के अफसरों ने शारजाह की फ्लाइट से जयपुर आए 2 यात्रियों के पास कुल 956 ग्राम सोना पकड़ा है।